शुरू हो जाओ जोर से। हाँ नहीं आंटी, मैं आपके साथ बिल्कुल भी शॉपिंग पे नहीं जा सकती। मैं कैसे जाऊंगी? आपको तो पता है ना मुझे कैफे जाना है, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्रिया प्लीज ऐसे मत करो ना। माना कि अनन्या के साथ मेरी नहीं बनती है, लेकिन यू नो टिल्लू टिल्लू की ही बीवी है ना, और बच्चा भी तो टिल्लू का ही होना है, तो इसलिए शगुन के लिए मुझे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। प्लीज रिया आंटी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, नहीं तो मैं आपसे पक्का चल लेती। ओहो, क्या उसकी मिन्ते कर रही है, मैं चलूंगी ना तेरे साथ। मुंह बंद। वो क्या? हाँ मैंने तेरी बातें सुन ली थी, अब तो इतनी जोर से बोलेगी तो सुनाई तो देगा ना। और गलती से पहली बार तेरे दिमाग में सही बात आई है, ये मौका मैं जाने कैसे दे सकती। एक काम करते हैं, तू नीचे आ, मैं मैडी और करीना को भी बोलती हूँ, फिर इकट्ठे जाएंगे। हाँ जी बेबी, जल्दी आना। जी यस, यानी प्लान का पहला हिस्सा करिया। I'm sorry, Kareena. मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे लैपटॉप को हाथ लगाया। वो एक्चुअली मुझे अर्जेंट ईमेल भेजना था, वो तो तुम्हारा लैपटॉप दिखा दो इसलिए। बेबे मैं रेडी हूँ, आप जल्दी आ जाओ। चलो चलो शॉपिंग जाना है, कम करीना इसी बहाने इंडिया में शॉपिंग भी कर लेंगे। अमोल तुम भी हमारे साथ चलो ना शॉपिंग। मैं नहीं, मुझे थोड़ा काम है, आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके रिया यू, मुझे कैफे जाना है, नहीं तो मैं आप लोग के साथ जरूर चलती। एनीवेज आप लोग शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके एंड यू, तुम तो चलोगी ना शॉपिंग? व्हाई नॉट, बस मैं 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, बट ओके जल्दी, नो प्रॉब्लम। चलो प्लान के पार्ट 2 को अंजाम देने का वक्त आ गया है, अब अली की बारी। कहाँ गया, तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, और ये ऊपर से प्रेगनेंसी वाला नया बकेड़ा खड़ा हो गया। क्या करूँ, बेबे को भी संभालना होगा, अब क्या करूँ, कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलूँ। एक तो माँ भी यहाँ नहीं है, वरना उनसे हेल्प ले लेती। I'm sorry. Riya! Ali, what? Riya, Riya, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें अचानक? चलो, जैसा प्लान किया था, बिल्कुल वैसा हुआ। Riya? ओ Ali, अपनी बहुत बीमार है। क्या हुआ अपनी को? पता नहीं अली, लेकिन इतना पता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा बीमार है और घर पे कोई भी नहीं है। इनफैक्ट नील का नंबर भी बिजी जा रहा है, वो फोन ही नहीं उठा रहा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और आज आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं उसके साथ नहीं। मतलब? मतलब ये कि आज कैफे में वैसे ही स्टाफ कम है, ऊपर से इतना सारा काम। तुम एक काम करो, तुम ये पूरे कैफे का काम देख लो, मैं अपनी के पास गया। पर अली, मैंने बोला ना तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम ये सब देख लोगी। वाओ, आज तो मजा आ गया शॉपिंग करके। यू नो व्हाट, जब लोग बीमार पड़ते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं जब बीमार होती हूँ ना तो शॉपिंग करने आती हूँ, बीमारी ऐसे गायब हो जाती है। देखा, तेरे चक्कर में ना हम बाल गोपाल लेना भूल गए। चल अब बीबे, बाल गोपाल क्यों, लक्ष्मी भी तो आ सकती है ना। हाँ, हो तो सकती है, क्यों ना हम राम जी और सीता जी की जोड़ी ले ले। वाओ करीना, व्हाट एन आइडियाज। और वैसे भी हमारे टिल्लू और अनन्य की जोड़ी राम सीता जी से कम थोड़ी ना है। वेरी गुड सा, अवनि अब होगी तेरी अग्नि परीक्षा, देखते हैं तू पार कर पाती है या स्वाहा हो जाती है।